हाल में कई सारे बैंक अपने एफडी के ब्याज दरों को लगातार बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में एफडी पर 6% ब्याज था, जो अब बढ़कर करीब 8% तक पहुंच चुका है। हालांकि अलग अलग बैंकों के अलग अलग एफडी रेट हैं। माना जा रहा है कि बैंक भविष्य में एफडी की ब्याज दरों को और भी बढ़ा सकती हैं। बैंक एफडी में बढ़ती ब्याज दर का कारण अधिकतर लोग केवल रेपो रेट को मान रहे हैं, लेकिन इसके कुछ और भी कारण हैं जिस वजह से एफडी पर ब्याज बढ़ाई जा रही है। चलिए पहले जान लीजिए, आरबीआई ने 2022 के मध्य से किस तरह से रेपो रेट को बढ़ाना शुरू किया। मई 2022 में 0.40%, जून 2022 में 0.50%, अगस्त 2022 में 0.50%, सितंबर 2022 में 0.50%, दिसंबर 2022 में 0.35 और फरवरी 2023 में 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। इस कारण रेपो रेट जो कि मई 2022 में 4% था, फरवरी 2023 तक 2.50% बढ़कर 6.50% पर पहुंच गया है। डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में अंतर। आरबीआई की ओर से 2 दिसंबर 2022 को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर 17.45% थी, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 9.85% थी। इस तरह देखा जाए तो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच ये अंतर 7.6% का था। वहीं दिसंबर 2021 में देश में डिपॉजिट ग्रोथ 10.28%, जबकि क्रेडिट ग्रोथ 9.16% पर थी। ऐसे में बैंक मौजूदा समय में क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के अंतर को कम करने के लिए तेजी से ब्याज दर बढ़ा रही है। बॉन्ड यील्ड। भारतीय बैंक अपनी जमा का एक हिस्सा बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। पिछले जुलाई और दिसंबर की अवधि बॉन्ड मार्केट के लिए काफी अच्छी रही और यहां से बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है।